हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और अराउंड सुबह के 9:15 या 9:30 हुए होंगे, और अभी मैं ड्राइव करके जा रही हूँ अपनी फ्रेंड शिल्पी जी के यहाँ। तो हमारी पूरी फैमिली जा रही है, मैं ड्राइव कर रही हूँ क्योंकि पुष्पेंद्र अपना ऑफिस के कॉल अटेंड कर रहे हैं कार में ही, और सिया और भूमि बहुत ही खुश हैं कि वो अब जाके वहाँ खेलेंगी। और सुबह सुबह मैंने जल्दी उठ के इनका ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया था, भूमि का लंच भी मैं पैक करके लेकर आई हूँ। वहाँ पे जाते ही पूजा है गृह प्रवेश की, और उसके बाद हवन है, और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके साथ पूरा दिन जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हम लोग शिल्पी जी के घर पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पर पूजा की जो प्रिपरेशन वगैरह है वो चल रही है। और आज डे बहुत ही क्लियर है, क्लियर स्काई है, वेदर अच्छा हो गया है। सुबह बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन ना होती रहे, बट अभी बारिश बंद हो गई है, सब कुछ क्लियर है। और पुष्पेंद्र सिया और भूमि को लेके अंदर चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से वीडियोस का जो लेना है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और आज का व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रियल सा है, कैसे हम लोग यहाँ इंडियंस जो अब्रॉड में रहते हैं कैसे अपने रीति रिवाज अपने कल्चर को जो है संजो के रखते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू इंजॉय दिस वीडियो। आप सब लोग अपनी विशेज जरूर भेजिएगा मेरी फ्रेंड शिल्पी जी के लिए। और आज मैंने ये सूट पहना है, पिंक कलर का कॉटन का ये सूट है, जयपुरी प्रिंट का। तो ये सूट भी सिया फैशन की तरफ से मुझे आया है, और इसके अलावा दो सूट और हैं। सो जब तक मैं अंदर जाती हूँ और बाकी लोगों से मिलती हूँ, तो आप लोग जो हैं बाकी जो दोनों पेयर्स हैं वो भी देख लीजिए, और इसका भी जो एक्चुअल लुक क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर, एंड जल्दी से आपको वो सूट्स के लुक दिखा के और बाकी फिर जो हाउस वार्मिंग पूजा का जो फंक्शन है वो दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये है सूट का जो लुक एक्चुअल में, और ये कॉटन का सूट है, बहुत ही कंफर्टेबल, और ये फैब्रिक मटेरियल था जो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच करवाया है। तो सिया फैशन एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है जहाँ पर लेडीज़ के अनारकली सूट्स, लहंगा, साड़ी, गाउन एंड कुर्तीज़, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और दूसरा सूट दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैं शाम को पहनने वाली हूँ। तो ये भी एक फैब्रिक मटेरियल था, इसको भी मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच करवाया है, और आप देख सकते हो फिनिशिंग कितनी अच्छी है। मुझे सूट का दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और तीसरा सूट है ये वाला, तो ये थोड़ा पार्टी वियर स्टाइल है, इस पर वर्क हो रखा है, और ये प्लाजो के साथ है, तो ये भी बहुत प्रिटी सा सूट है, किसी पार्टी में या शादी के फंक्शन में आप इसको पहन सकते हो। और सिया फैशन जो ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, इसकी वर्ल्ड वाइड शिपिंग अवेलेबल है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हो वहाँ आप ऑर्डर अपना रिसीव कर सकते हो। और इंडिया में कुछ सेलेक्टेड पिन कोड्स पे इनकी कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस भी अवेलेबल है। सो सिया फैशन वालों का एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे वो काफ़ी क्विकली रिप्लाई करते हैं, आप अपने ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए उनको चैट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी, इनके पास फुली स्टिच्ड, सेमी स्टिच्ड और फैब्रिक मटेरियल्स भी मिलेंगे, और एक साइज़ चार्ट होता है उसे फिल करके आप इनको सेंड करोगे, तो जो आपके सूट्स, ब्लाउजेज, एथनिक वियर्स हैं उनको वो स्टिच करके भेजते हैं। स्टिचिंग का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल एंड मिनिमल होगा, जो मार्केट में कॉस्ट चल रहा है उसके कंपैरिजन में इक्वल या फिर थोड़ा बहुत उससे कम। और इनके जो कपड़े हैं उनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, स्टिचिंग की जो फिनिशिंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और फिटिंग वगैरह जो है एकदम परफेक्ट आई है। डिस्काउंट की अगर बात करें तो वैसे तो इनके कपड़ों के प्राइजेज जो हैं वो अफोर्डेबल ही हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज इन्होंने रखे नहीं हैं, तो डिस्काउंट भी अवेलेबल है फ्लैट 10 या फिर फ्लैट 10% लिख के आप डिस्काउंट जो है वो ले सकते हो। डिस्काउंट की भी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो ये है मेरा व्यू पॉइंट सिया फैशन के बारे में गाइस, और कपड़े आप देख ही रहे हो जो मैंने पहने हुए हैं, आई रियली लव दीज सूट्स। एंड गाइज, ये तीनों सूट्स जो मैंने आपको पहन के दिखाए हैं इन सब के भी मैं लिंक्स डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लें। सो गाइज, बहुत मॉडलिंग हो गई मेरी, और थैंक्स टू माई हस्बैंड कि उन्होंने मेरी वीडियोज़ कैप्चर की। और चलिए गेटिंग बैक टू माई प्रेजेंट व्लॉग, तो मैं शिल्पी जी के घर आ गई हूँ, और चलिए आपको अंदर क्या चल रहा है ये दिखाती हूँ। Oh.
ओम चिंतः संतान अहंकारो यत्पादां भुजरेण वः सीयानः तानीज संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय पादयुगलम् हयंगा वीनः प्रियं नित्यं स अभयंतराय शुचि गौरी नंदनाय नमः सरस्वती प्रणमयादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये हे गाइस, सो अभी हम लोग शिल्पी जी के घर पे हैं और यहाँ पर पूजा वगैरह चल रही है। तो पुष्पेंद्र इनके पुराने वाले घर पे चले गए हैं जो रेंटेड अपार्टमेंट था वहाँ पे, और वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं वहाँ पे। और हम लोग, मैं बच्चों के साथ इधर ही हूँ। सब लोग बच्चे यहाँ पर खूब सारा इंजॉय कर रहे हैं। सिया भी, भूमि भी कहीं इधर घूम रही है। सो अच्छा चल रहा है। भूत भावनाए नमः, कार्तिकेय नमः। वसो पवित्रमसी शतधारम, वसो पवित्रमसी सहस्रधारम, देवात् सविता पुनात् वसो पवित्रेण। ओ गुरुर देवो महेश्वर, सो गाइस, गृह प्रवेश पूजा हवन और यहाँ पर लंच हो गया है और उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। शिल्पी जी तो बोल रही थी कि रुक जाओ यहीं पे, लेकिन वही है कि घर जाके बच्चे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। और देखिए, सिया और भूमि इतना ज़्यादा खेली हैं, लंच भी इनका हो गया है, तो दोनों कार में ही सो गई हैं। भूमि की आँखों में भी नींद भरी हुई है। तो हम लोग घर ही जा रहे हैं, फिर वहाँ बच्चे रेस्ट कर लेंगे और फिर शाम को हमको फिर से आना है यहाँ पर। हे गाइस, सो अभी हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और अराउंड 2 बज गए हैं अभी। तो पुष्पेंद्र ने अपना ऑफिस का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है और सिया और भूमि दोनों कार में ही सो गई थी, तो उनको अंदर ले जाके सुला दिया है। एंड अभी दोनों रेस्ट कर लेंगी ना तो अच्छे से, तो शाम को जब हम वहाँ जाएंगे तो खेल लेंगी। तो 6:30 का अराउंड टाइम दिया है। शाम को जो है वो हाउस वार्मिंग पार्टी डिनर काइंड ऑफ है। और ये वाला सूट सबको काफ़ी पसंद आया, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को दिखानी है, मुझे शिल्पी जी की तरफ से मिला है ये एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट, क्योंकि मैंने पूजा अटेंड की थी तो जितनी भी लेडीज़ पूजा में आई थी उन सबको उन्होंने जो है एक गिफ्ट दिया है। तो ये मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, ये मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। इसमें है एक बहुत ही सुंदर सा सूट जो उन्होंने मुझे दिया है, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी किसी और व्लॉग में। अभी ये पूरा ऐसे ही मैं पैक रहने दे रही हूँ, सॉरी फॉर दैट गाइज। और
चलिए फिर अभी व्लॉग को पॉज करती हूँ और व्लॉग में जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और भी आगे आने वाली हैं। तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और सुबह सुबह किचन का थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं छोड़ गई थी वो फिनिश अप कर लेती हूँ। सो गाइज, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी और शाम का टाइम हो गया है। सिया और भूमि को थोड़ी भूख लगी है तो यहाँ पर मैंने बनाना शेक बनाने के लिए रखा है सिया के लिए, और भूमि को मैंने थोड़े बनानास कट करके दे दिए हैं और अभी इनको रेडी करूँगी। फिर पहुँचने में भी टाइम लगेगा तो तब तक बच्चे भूखे रहेंगे, तो इसलिए बेटर है कुछ खिला लूँ। सिया को एल्सा वाली फ़्रॉक पहनने का मन था और फिर दीदी ने फ्रॉक पहनी है तो भूमि को भी फ्रॉक पहननी थी, तो दोनों को मैंने फ्रॉक्स पहना दी हैं। मेरे पास इन दोनों के लिए अभी इंडियन कपड़े कुछ है नहीं, इस बार इंडिया जाऊंगी तो इन लोगों के लिए भी एथनिक कपड़े लेकर आऊंगी। हे गाइस, तो अभी मैं फिर से रेडी हो गई हूँ एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। सो गाइज, डिनर हो गया है और हाउस वार्मिंग पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी लोग यहीं पर हैं लेकिन भूमि थोड़ा रो रही थी क्योंकि सुबह से ही वो खेल खेल के टायर्ड हो गई थी, तो हम लोग टाइम से ही अपने घर निकल लिए हैं और रास्ते में बच्चे सो गए थे फिर से कार में, तो हमने उनको घर जाके सुला दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।